हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्लेन मिरर क्या है और इसके बाद में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस और प्लेन मिरर से अगर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है तो उस इमेज का क्या नेचर था और इसके बाद में अगर मिरर को रोटेट किया तो हमें इमेज के साथ में उस रोटेशन का क्या रिलेशन था। आज के इस वीडियो में हम आगे उसी सीक्वेंस को बढ़ाते हुए आज के वीडियो पे हमारा जो टॉपिक कवरेज होगा वो होगा स्फेरिकल मिरर, और उस स्फेरिकल मिरर से बहुत सारी टर्म्स क्या क्या एसोसिएटेड है वो समझेंगे, एंड देन वी गो फॉर रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वालिटीज रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, और फिर उसके बाद में हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली अगर हम देखें तो अगर एक हॉलो ग्लास लिया जाए और उस हॉलो ग्लास से हम उसके एक सेक्शन को कट करके और इसके बाद में उस पे हम कैसा पॉलिश कर रहे हैं उस बेसिस पे हमारे पास में स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हमें मिलेंगे। और अगर हम उसको समझें तो डायग्राम से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सपोज ये हमारा एक हॉलो ग्लास स्फीयर है और इस स्फीयर से हमने इसके दो पोर्शन कट कर रखे हैं। सपोज एक पोर्शन हमने इसमें से कट किया है, ये हमारा एक पोर्शन है और इसको हम अगर नाम दे दें तो हम इसको नाम दे देते हैं सेपी क्यू, और इसके बाद में हमने इसका एक दूसरा सेक्शन कट कर रखा है सपोज ऐसे, और इसको हम नाम दे देते हैं सपोज MN। अब ये जो MN है, इस MN को हमने ऐसे बनाया कि हमने बनाया MN, और इसके बाद में उस PQ को हमने बनाया सपोज कि हमारा है PQ। अब हम इसमें करते क्या है कि इस पे इनर पार्ट पे हम इसको पॉलिश करते हैं ऐसे, और ये जो हमारा पॉलिशिंग है ये क्या करेगा, इस फेस को रिफ्लेक्टिंग फेस बना देगा, रिफ्लेक्टिंग फेस। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग फेस है ये डिसाइड करेगा कि हमारा मिरर का टाइप क्या है। तो स्फेरिकल मिरर का जो पहला टाइप है जो इस तरह का दिखेगा, जहां पे स्फेरिकल सरफेस जो है इसका रिफ्लेक्टिंग फेस स्फेरिकल सरफेस का ये वर्ज्ड आउट होगा, कर्व्ड आउट होगा, इसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारे पास में सबसे पहला इसका टाइप हो गया। अब इसके बाद में हमने ये जो दूसरा सेक्शन लिया हुआ है इस हॉलो ग्लास का, स्फेरिकल ग्लास का, इस पे हम पॉलिश कर देते हैं से फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस। तो अब क्या होगा, इसका ये जो इनर सरफेस है ये होगा हमारा क्या, रिफ्लेक्टिंग फेस। अब ये रिफ्लेक्टिंग फेस इस मिरर को क्या बना देगा, कॉनकेव टाइप, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो इस तरीके से हमारे पास में स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हमें देखने मिले, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। ये केव लाइक स्ट्रक्चर है ना, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इससे जुड़ी हुई है जो हमें समझने की जरूरत है बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है कि इसमें से क्या क्या टर्म्स है वो समझें, और एक चीज और इस पे ऐड कर देते हैं, ये जो कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है ये जिस तरह का एक्शन प्रोड्यूस करेगा उस एक्शन को देखते हुए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग टाइप ऑफ मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि इसका नेचर जो होता है वो फैलाने वाला होता है रेस को, और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये दो नाम आपको जानने की और ज्यादा जरूरत है। चलिए
तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर, राइट। टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली उस हॉलो स्फीयर का सेंटर है जहां से हमारा मिरर लिया गया है, कट किया गया है। तो अगर हमारे पास में एक मिरर सपोज ऐसा दिया है, ऐसा दिया हुआ है, तो ये जो मिरर है ये किसी ना किसी हॉलो स्फीयर से कट किया गया होगा। अगर हम इसका हॉलो स्फीयर पूरा एक ज्योमेट्री बनाए इस तरीके से, तो ये जो हॉलो स्फीयर फॉर्म हो रहा है जिसका कि मिरर एक पार्ट है, इसका जो सेंटर है ये सेंटर क्या कहलाएगा इस मिरर के लिए, सेंटर ऑफ दिस कर्वेचर, राइट। अब ठीक इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है पोल। तो सेकेंड टर्म हमें समझने की जरूरत है पोल, या फिर हम इसी को कहते हैं क्या, वर्टेक्स, पोल या वर्टेक्स। तो अब देखिए ये हमारा मिरर है, सपोज मिरर को हमने क्या डिनोट किया यहां पे, सपोज हमने इसको पी क्यू मत दीजिए, MN दे दीजिए, क्योंकि पोल को हम P से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो हम इसको मिरर को MN बोल देते हैं। अब ये जो हमारा MN मिरर है, इस मिरर का जो सेंटर पार्ट है, इसका मिड पार्ट, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका, जो इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हो, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पोल या फिर वर्टेक्स बोल देंगे, राइट। अब हमारे पास में नेक्स्ट टर्म है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां से क्लियर है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हमारा स्फीयर है, इसका मिरर हमारा एक पार्ट है, इस स्फीयर का जो सेंटर और इस पोल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। अब ये मिरर हमारा कर्वेचर है उस मिरर का, तो यही रेडियस हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, राइट। तो ये हमारा सेंटर है और ये हमारा पोल जो पॉइंट है उसके सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, क्योंकि मिरर हमारा एक पार्ट है उस स्फीयर का, और मिरर का जो पोल है वो उसके सर्कमफेरेंस पे लाइन पॉइंट है। तो सेंटर को सर्कमफेरेंस लाइन पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल ज्योमेट्री। अब हम आगे बात करते हैं, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस सिंपली एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई एक्सटेंड होती है। वो एक्सटेंड यहां भी होगी और वो एक्सटेंड यहां भी हो सकती है। तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ, तो इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज लीनियर अपर्चर। सो द नेक्स्ट टर्म विद अस इज नंबर फिफ्थ, लीनियर अपर्चर। अब ये जो लीनियर अपर्चर है स्टूडेंट्स, ये लीनियर अपर्चर बेसिकली कुछ नया नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है।
ये वाला जो पॉइंट है M और ये वाला जो पॉइंट है N, ये हमारा कहलाएगा क्या, लीनियर एपर्चर, राइट। या इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि द एक्सट्रीम टू एंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म द लीनियर एपर्चर। अगर ये लाइन हम स्ट्रेट ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, लीनियर एपर्चर फॉर्म करेगा। अगर हमने इसको ऐसे करके और ऐसे ये लाइन एंड टू एंड ज्वाइन कर दी, सो दिस इज द लीनियर एपर्चर, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज एंगुलर एपर्चर। नेक्स्ट टर्म इज विद अस नंबर 6, एंगुलर एपर्चर। एंगुलर एपर्चर, तो ये जो एंगुलर एपर्चर है हमारे पास में, ये एंगुलर एपर्चर क्या है कि ये जो एंड है M और ये N, ये सेंटर को लाइन ज्वाइन करते हैं दोनों एंड्स के साथ में। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द एंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर विद द सेंटर फॉर्म्स एन एंगल थीटा, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर एपर्चर। तो ये जो एंड टू एंड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, इसी को हम क्या दे देते हैं नाम, एंगुलर एपर्चर, राइट। ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज प्रिंसिपल सेक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म है नंबर 7, प्रिंसिपल सेक्शन। तो प्रिंसिपल सेक्शन पे, प्रिंसिपल सेक्शन, तो प्रिंसिपल सेक्शन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेक्शन मतलब उसको दो हाफ्स में डिवाइड करना। तो एक लाइन जो पोल से पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कह रहे हैं, वो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है, जो कि दो इक्वल हाफ्स में इस मिरर को डिवाइड कर रहा होता है, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज नंबर 8। तो नंबर 8 हमारा जो टर्म है दैट इज नॉर्मल। अब नॉर्मल और फिर इसके बाद में नंबर 9 पे हम समझेंगे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, एंड नंबर 10 होगा हमारा फोकल लेंथ, एंड द लास्ट विल हैव नंबर 11 दैट इज फोकल प्लेन। चलिए अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। तो देखिए, नॉर्मल, नॉर्मल बेसिकली कुछ अलग नहीं है, नॉर्मल इज सिंपली अ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एनी पॉइंट ऑन द मिरर। तो जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल बेसिकली एक लाइन होगी जो कि ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर एंड जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर के किसी भी पॉइंट को जॉइन करती हुई लाइन हमेशा इस मिरर के उस पॉइंट पे नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी, राइट, और हम उसी को नॉर्मल बोल देंगे। अब हमारा आता है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में मीट आउट होंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उस पॉइंट को हम नाम देंगे प्रिंसिपल फोकस। जैसे अगर हम समझे तो यहां से सपोज ऐसे ये पैरेलल लाइन आ रही है, ये पैरेलल रे आ रही है, ये पैरेलल रे आ रही है, जितनी भी पैरेलल कमिंग रेज है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में एक सिंगल पॉइंट पे आके ऐसे मीट आउट होंगी, एक सिंगल पॉइंट पे ऐसे मीट आउट होंगी। तो ये हमारा जो सिंगल पॉइंट है ये कहलाएगा क्या, प्रिंसिपल फोकस, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो
तो फोकल लेंथ बेसिकली वो पॉइंट जहां पे सारी की सारी पैरेलल कमिंग रेस कन्वर्ज हो रही हैं, मीट आउट हो रही हैं, या उस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है डाइवर्ज होना इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो वो वाला जो पॉइंट है उसको जब पोल ऑफ द मिरर से जॉइन करते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है पोल और फोकस के बीच का, इसको हम कहते हैं क्या, फोकल लेंथ। नाउ वी हैव द लास्ट फोकल प्लेन। तो ये फोकल प्लेन बेसिकली एक प्लेन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा एंड थ्रू फोकस, राइट। तो अगर हम इसको समझे डायग्राम की हेल्प से, तो सपोज ये मिरर हमने फिर से बनाया, ये हमने मिरर फिर से बनाया और इस मिरर के लिए हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब इसके बाद में ये हमारा फोकस हो गया। अब इस फोकस से पास होता हुआ अगर हमने एक प्लेन इधर पे कंसिडर किया तो ये हमारा जो प्लेन होगा जो कि परपेंडिकुलर टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा पासिंग थ्रू फोकस, दैट विल बी कॉल्ड फोकल प्लेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हमारा अगला टॉपिक है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो बेसिकली क्या है कि जब भी मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़े हम या फिर लेंस में रिफ्रैक्शन पढ़े हम, तो हमें साइन कन्वेंशन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज होता क्या है कि हम प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करने जाते हैं और वैल्यूज हम रखते हैं बट आंसर हमारा जो आना चाहिए उसकी जगह कुछ और ही आता है आंसर। तो यहां पे साइन कन्वेंशन बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली समझने की जरूरत है। तो ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे साइन कन्वेंशन, कब किस चीज को पॉजिटिव लेते हैं और कब किस चीज को नेगेटिव लेते हैं और क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम अगर साइन कन्वेंशन पे बात करें, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो सपोज हमारा ये एक मिरर है और ये हमारा कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर है, कॉनकेव मिरर है और इस मिरर पे हमारे पास में ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। नाउ अब हमारे पास में यहां पे ये जो हमारी डायरेक्शन होगी इट इज इंसिडेंट लाइट रे। तो ये हमारी जो इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे पॉजिटिव डिस्टेंस के लिए हमारा एक लैंडमार्क है, हमारा एक बेस है जो ये डिसाइड करेगा कि ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होने वाली है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसके उल्टे अगर आप मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारा जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल डिस्टेंसेस ऑपोजिट ऑफ इट, ये क्या ली जाएंगी, नेगेटिव। ऑल डिस्टेंसेस। अब डिस्टेंसेस क्या क्या है, तो हमारे पास में जनरली हम तीन टाइप की डिस्टेंसेस की बात करते हैं, यू, वी और एफ, जिसमें से यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। मींस स्टार्टिंग पॉइंट हमारा हमेशा सारे डिस्टेंसेस के लिए स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, पोल से हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड लाई करेगा और हमारी डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि इस डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रही है रेफरेंस डायरेक्शन के, इस वजह से यू हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, राइट। अब दूसरी बात, फोकल लेंथ। अगर मिरर आपका कॉनकेव है तो कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ यहां आएगी और फोकस यहां आएगा और फोकल लेंथ पोल से ऐसे मेजर होगा। मींस फोकल लेंथ इज आल्सो नेगेटिव फॉर कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर। अब वी
अब कॉनकेव मिरर दो टाइप की इमेज बनाता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, एक रियल और एक वर्चुअल। तो अगर रियल है इमेज, अगर रियल है तो मिरर के फ्रंट पे ही बनेगी, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास में वो जो डिस्टेंस है इमेज का, रियल इमेज का, वो पोल से फिर से स्टार्ट होगा मेजर होना। तो इस रेफरेंस डायरेक्शन के फिर हम उल्टे जाएंगे, मतलब एक बार फिर से v इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो अब इस पे जितनी भी डिस्टेंसेस है, अगर इस रेफरेंस डायरेक्शन के उल्टे मेजर हो रहे हैं, डू रिमेंबर कि वो नेगेटिव ली जाएंगी। बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, भूलिएगा नहीं, राइट? ओके, अब इसके बाद में हम आते हैं हाइट्स पे। तो हमारे पास दो टाइप की हाइट होती है, एक होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हाइट ऑफ इमेज, जिसकी हम बात करते हैं। तो जितनी भी हाइट्स है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव मानी जाएंगी, पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो वो नेगेटिव लिया जाएगा, राइट? तो जितनी भी इमेजेस हैं, अगर वो रियल टाइप की हैं, तो वो इन्वर्टेड होना मस्ट है। और उस कंडीशन पे अगर इन्वर्टेड है तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है मतलब हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारे पास में ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ, इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर। तो ये हमारा अगला टॉपिक हो जाता है। चलिए, इसको समझने के लिए हम डायग्राम बनाते हैं एंड देन वी मूव अहेड। तो सपोज कि हमारा जो मिरर है वो मिरर है, सपोज हमने ये बना दिया, ये है हमारा कॉनकेव टाइप ऑफ मिरर, और इस कॉनकेव टाइप ऑफ मिरर पे हमने ये पोल पॉइंट ले लिया और इस पोल पॉइंट से पास होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली और जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर रही होगी। अब इसके बाद में हमने क्या किया कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सपोज एक लाइन, एक हमने पैरेलल कमिंग रेली पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मिरर के एम पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, और इसके बाद में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इट हैज टू पास थ्रू फोकस, इट इज मैंडेटरी। तो ये फोकस से होके पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद में। अब हम क्या करते हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट एम को अगर ज्वाइन करें तो वो नॉर्मल होगा इस एम पॉइंट पे। तो यहां पे हमने एक लाइन ज्वाइन की एम को सी से, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे। तो नॉर्मल से ये जो इंसिडेंट लाइट है इसका एंगल जो इसने बनाया है, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद में ये जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल से कितने एंगल पे होगी, आर। और बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो सपोज कि इसको भी हमने थीटा ले लिया और इसको भी हमने थीटा ले लिया, तो अब हमारा ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा हमारा, ये भी थीटा होगा,
ये एंगल हमारा कितना होगा, ये 2 थीटा होगा। ऑलराइट, अब आगे हम बात करें तो हमारे पास में सपोज कि इधर से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉप कर देते हैं ऐसे एन, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया। ओके, अब अगर हम प्रोसीड करें तो हम इस ट्राइंगल पे बात करेंगे एम सी एन पे और दूसरा एम एफ एन पे बात करेंगे। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल एम एन सी, एम एन सी हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा। तो हमने क्या लिखा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज एम एन अपॉन बेस दैट इज एन सी। राइट, अब दूसरा ट्राइंगल ले ले हम, ऑल्सो इन ट्राइंगल एम एन एफ, एम एन एफ अब हम लेते हैं टेंजेंट ऑफ 2 थीटा। तो हमारे पास में टेंजेंट ऑफ 2 थीटा देखिए क्या आएगा, ये आएगा एम एन अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एन एफ। अब हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल्स थीटा और 2 थीटा स्मॉल है और साथ ही साथ ये जो कर्वेचर है स्फेरिकल मिरर का, ये भी बहुत स्मॉल है। तो जब कर्वेचर स्मॉल होगा तो उस कंडीशन पे ये जो एन पॉइंट है ये पी के बहुत क्लोज होगा। तो विथ दीज टू कंडीशंस, इफ एंगल्स थीटा एंड 2 थीटा आर स्मॉल एंड द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, देयरफॉर अब देखें ये जो एन एफ है वो किसके बराबर होगा, पी एफ के बराबर होगा, और ये जो एन सी है वो पी सी के बराबर होगा। देयरफॉर एन एफ इज इक्वल टू पी एफ एंड एन सी इज इक्वल टू पी सी, और टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन सी, एन सी इज वॉट नाउ पी सी, एंड ऑल्सो टेन 2 थीटा इज नियरली इक्वल टू 2 थीटा विच इज इक्वल टू एम एन अपॉन एन एफ, एन एफ इज वॉट पी एफ, देयर फोर अब ये दोनों ही रिलेशनशिप हमें क्या बताते हैं, इट इंप्लाइज 2 into थीटा, थीटा इज एम एन अपॉन पी सी विच इज इक्वल टू एम एन अपॉन पी एफ। इधर से एम एन कट कर दीजिएगा, इसको इन्वर्ट कर दीजिएगा, आपको मिलेगा पी सी बाय 2 इक्वल टू पी एफ। नाउ पी सी इज वॉट बेटा, पी सी इज माइनस आर बाय 2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ। ये माइनस माइनस कट गया तो हमें क्या मिल गया, एफ इक्वल्स टू आर बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फोकस है वो आर बाय 2 पे लाई करेगा, मतलब पी से सी तक की डिस्टेंस हो गई कैपिटल आर, और इसके जस्ट हाफ वे मिड पे फोकल लेंथ आ रही है, मतलब फोकस पॉइंट इसके मिड पे लाई करेगा। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। राइट, ऑलराइट, तो अब हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो देखते हैं फॉर्मेशन
ऑफ इमेज। अब यहां पे जब हम मिरर पे ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्म कर रहे होंगे तो वहां पे हमें तीन चीजें या यूं बोले कि तीन रूल्स हमें दिमाग पे रखने होंगे, तब जाके हम वहां पे इमेज फॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे तीन रूल क्या क्या है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये बोलता है, सबसे फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर हमारे पास में कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। इट इज मैंडेटरी। इसका वाइस वर्सा भी सही है, मतलब अगर रे ऐसे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी, राइट? अब इसके बाद में दूसरा रूल हमारा ये बोलता है कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी वो उस पाथ को रिट्रेस करेगी, इट मींस कि उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होके लौट जाएगी। तो ये सपोज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया हमने, फोकस ले लिया, और हमने क्या किया, सपोज कि इधर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ये इंसिडेंट रे हमने मिरर पे इंसिडेंट करवाई है। अब क्या होगा, ये इसी पाथ को रिट्रेस करेगी, मींस इसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। और थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है, थर्ड रूल ये बोलता है कि जिस एंगल पे हमारे पास में इंसिडेंट रे आ रही है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट है वो है, सपोज ये इंसिडेंट रे है जो कि पोल पे आ रही है विद सर्टेन एंगल, तो ये जितना एंगल है उतने ही एंगल से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल बोलता है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, राइट? तो ये तीनों रूल्स के कॉम्बिनेशन से हम इमेजेस फॉर्म कर रहे होंगे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और यहां पे मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मिरर इक्वेशन और मिरर फॉर्मूला। चलिए, तो जैसा कि हमें मालूम है कि कॉनकेव मिरर हमारा दो टाइप की इमेजेस फॉर्म कर सकता है, दो टाइप की इमेजेस फॉर्मेशन पे उसकी महारत है। तो हम कॉनकेव की रियल केस के लिए बता रहे हैं और कॉनकेव का जो वर्चुअल केस है ये आपके लिए होमवर्क है, जो कि आप इसको खुद ट्राई करेंगे घर में। तो चलिए देखते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से, जिससे कि आप खुद से इतना अगले केस के लिए डिराइव कर पाए। सो लेट्स सी, अब हमने यहां पे क्या लिखा, फॉर कॉनकेव मिरर फॉर रियल इमेज। तो चलिए अब हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं एंड देन वी गो फॉर डेरिवेशन। तो सपोज कि ये हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर के लिए ये हमारा पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
ये पोल हो गया हमारा, ये फोकस हो गया हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, और ये हमने ले लिया क्या, ऑब्जेक्ट ए बी। अब यहां से ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये इंसिडेंट रे हमारी रिफ्लेक्शन के बाद में, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये हमारी जो रिफ्लेक्शन के बाद में रे है ये कहां से पास होगी, ये पास होगी फोकस से ऐसे, ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बाद में नेक्स्ट रे यू कैन हैव पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हम क्या करते हैं अगली रे को ले लेते हैं, पोल पे इंसिडेंट करवा लेते हैं, ये हमारी अगली रे है जो पोल पे आ रही है, और पोल पे हमारी जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी ऐसे, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगा, ये हमारा इमेज हो गया ए डैश बी डैश। इसमें हम ट्राइंगल सिलेक्शन देखते हैं, राइट, तो ट्राइंगल सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट है एम, और यहां पे हम इस एम पॉइंट से यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉप कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, एंड दैट इज से एन, राइट। तो हम सबसे पहले ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी पी, दिस वन, तो हमने लिखा सिंस ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। अब यहां पे दो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम यूज करने जा रहे हैं, और वो क्या बोलता है कि रेशियो ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, राइट। तो अभी हम ए बी ले लेते हैं इस ट्राइंगल की साइड, और इस ट्राइंगल में करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है उसकी, ए डैश बी डैश है, देन इक्वल टू अगला हमने क्या ले लिया, पी ए अपॉन पी ए डैश, पी ए डैश से दिस बी इक्वेशन नंबर वन। अब हम क्या करते हैं अपना अगला ट्राइंगल लेते हैं ऑल्सो, अब अगला ट्राइंगल देखिए क्या हो जाएगा, एम एन एफ, ये वाला ये ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल एम एन एफ, और इसको हम सिमिलर बता देंगे किसके, ए डैश बी डैश एफ के, राइट। तो हम क्या लिखते हैं, ट्राइंगल एम एन एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, राइट। इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात हो रही है, तो यहां पे एम एन हमने लिखा, एम एन अपॉन करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एन एफ, एन एफ, तो हमने लिखा एन एफ अपॉन, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास में ए डैश एफ या एफ ए डैश, जैसा भी आप लिखना चाहें, सो दिस बी इक्वेशन नंबर, अभी आप इसको इक्वेशन नंबर टू मत दीजिए। अभी इस पे हम क्या करते हैं कि सिंस दिस बी एम इज पैरेलल टू ए पी, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस बी एम इज पैरेलल टू ए पी, देयर फोर ये और ये आपस में बराबर होंगे, एम एन विल बी इक्वल टू ए बी। अब इस ए बी को आप एम एन की जगह पे रख दीजिए, देयर फोर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विच इज इक्वल टू, अब ये जो अगर इसका अपैरचर स्मॉल है, इसका जो कर्वेचर, सॉरी नॉट अपैरचर, कर्वेचर इज स्मॉल, तो ये जो एन पॉइंट है ये पी के बहुत क्लोज होगा, तो ये जो एन एफ हमने लिख रखा है इसको हम पी एफ लिख सकते हैं, हमने लिखा पी एफ,
अपॉन ये जो एफ ए डैश है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए डैश को पीई डैश माइनस पीएफ, पीई डैश माइनस पीएफ। नाउ यू कॉल इट इक्वेशन नंबर टू। अब आप इक्वेशन वन और टू को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, इट इंप्लाइज राइट हैंड साइड्स विल आल्सो बी इक्वल, राइट। तो हम लिखते हैं फ्रॉम वन एंड टू वी हैव, व्हाट डू वी हैव पी ए व्हिच इज अपॉन पी ए डैश व्हिच इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी ए डैश माइनस पी एफ। अब साइन कन्वेंशन के साथ में हम इसको रिप्लेस करेंगे, लाइक पी ए इज व्हाट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इट इज माइनस यू। तो हम इसको लिखेंगे माइनस यू पी ए डैश, पी ए डैश इज वॉट डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर माइनस वी। देन नेक्स्ट हम चलते हैं आगे और हमारे पास में इस पी एफ को हम क्या लिखेंगे, पी एफ को हम लिखेंगे फोकल लेंथ माइनस एफ अपॉन पी ए डैश इज अगेन माइनस बी माइनस पी एफ इज अगेन माइनस एफ। तो अब क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यू अपॉन वी व्हिच इज इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ। एक बार फिर देखें, यहां से हमने माइनस माइनस कट किया, ये माइनस माइनस कट, और इसके बाद में यहां से हमने माइनस कॉमन लिया, तो जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और वो माइनस ये माइनस कट हो जाएगा जो कॉमन लिया है, वो हमें मिल जाएगा आउटकम। देन आप क्या करिए, यहां से एफ को कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, एफ वी अपॉन एफ माइनस वन ये मिल जाएगा हमें यहां पे, यू अपॉन वी। नाउ इन्वर्टिंग बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड को इन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमें मिलेगा वी अपॉन यू व्हिच इज इक्वल टू वी अपॉन एफ माइनस वन। अब दोनों साइड को वी से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ द साइड्स by we have, what do we have, 1 upon u which is equal to 1 upon f minus 1 upon v। अभी इसको आप वहां ट्रांसपोज कर दीजिए, 1 upon v plus 1 upon u which is equal to 1 upon f। So with this we come to the end of today's video।